राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त कब है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। पुराणों के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 सितंबर 2018 को पड़ेगी। इस दिन भक्त पूरे दिन व्रत रखकर कृष्ण जन्माष्टमी के उपरांत प्रसाद ग्रहण करेंगे। पुराणों के अनुसार कंस के अत्याचार को खत्म करने के लिए ही भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। कंस अत्याचारी राजा था। वह अपनी प्रजा पर बहुत ही जुल्म करता था। उसकी बहन का नाम देवकी था। देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वासुदेव के साथ हुआ था। विवाह के पश्चात जब कंस दोनों को लेकर घर आ रहा था तो एक आकाशवाणी हुई थी। उसमें कहा गया था कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया था। उसके बाद कंस ने देवकी की सभी संतानों को मार दिया था। 8वें पुत्र के रूप में श्रीहरि ने स्वयं देवकी के उदय से पूर्ण अवतार लिया था। यह अवतार उन्होंने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात को लिया था। इस बार अष्टमी तिथि 2 सितंबर को पड़ रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त 45 मिनट का है। पूजा का समय रात 11:57 से 12:43 तक होगा। अष्टमी तिथि का आरंभ 2 सितंबर 2018 दिन रविवार को रात 8:47 से आरंभ होगा, जिसका समापन 3 सितंबर को शाम 7:19 तक होगा। इसका मतलब है कि व्रत 3 सितंबर को शाम 7:19 के बाद खोला जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं। रात 12 बजे भगवान के जन्म के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत खोलना चाहिए। इस दिन विष्णु के अवतार कान्हा को दूध, जल और घी से अभिषेक करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी कामना है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी आपके लिए मंगलमय हो। इसी कामना के साथ नमो नारायण।